नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें जो है अब बढ़नी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अनंत सिंह इस बार आरजेडी के टिकट से मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी निर्दलीय विधायक हैं, अभी भी विधायक हैं वहाँ से, लेकिन इस बार जो है उन्होंने तय किया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और वो खुद आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी से अनंत सिंह तो लड़ रहे हैं, लेकिन जब नॉमिनेशन करने गए थे तो अपनी पत्नी को भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा से नॉमिनेशन कराया था। कहा जा रहा था कि रणनीति के तहत कराया गया है ताकि इस बात का उन्हें डर था अनंत सिंह को कि कहीं ना कहीं उनका नॉमिनेशन रद्द न कर दिया जाए। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार हम पे पड़े हुए हैं और हो सकता है तो मेरा नॉमिनेशन जो है रद्द करा दिया जा सकता है, इसलिए अपनी पत्नी को भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ से नॉमिनेशन कराया था। लेकिन अब आपको बता दें कि अब जो है उनकी मुश्किलें जो है बढ़ने लगी है। मोकामा सिंह के पैतृक गांव वाले आवास पे AK-47 मिला था पुलिस को और उसको लेकर उन पे एक मुकदमा में हुआ था और वो केस एक बार फिर से खुल गया है। आपको बता दें कि अनंत सिंह के पैतृक गांव स्थित आवास से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनाइड इंसाफ राइफल और मैगजीन की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में गुरुवार को विधायक अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। जब उन पर आरोप तय किया जा रहा था तब अनंत सिंह ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पटना सिविल कोर्ट स्थित संसद और विधायक से जुड़े मामलों के लिए गठित स्पेशल कोर्ट में अनंत सिंह की पेशी हुई थी। जस्टिस विपुल सिन्हा ने अनंत सिंह के खिलाफ आरोप तय करते हुए 21 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तारीख रखी है। अभियोजन पक्ष 21 अक्टूबर को इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ गवाह पेश करेगा, यानी कि जो लोग आरोप लगाए हैं वो 21 अक्टूबर को कोर्ट में, जो विधायक और सांसद के लिए स्पेशल कोर्ट गठित किया गया है तमाम मामलों के लिए, उसमें अनंत सिंह के खिलाफ जो है वो साबूत पेश किया जाएगा। लेकिन जब जज इनसे सवाल कर रहा था कि जो आरोप लगे हैं उनमें क्या कहना है, तो इन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो सारी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, चुनाव समय में है और तमाम जो लोग हैं मेरे विरोधी वो कोशिश कर रहे हैं कि इनका नॉमिनेशन जो है रद्द हो जाए। लेकिन एक बार बता दूं कि अनंत सिंह को एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो भी जेल में है, लेकिन नॉमिनेशन हुआ, आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अपने पत्नी को भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा से ठड़ा किया है और इस बात का उन्हें पहले से ही डर था कि कहीं ना कहीं उनका नॉमिनेशन जो रद्द हो सकता है। लेकिन अब जो बातें सामने आने लगी है उन पे नॉमिनेशन हुआ कुछ दिन बाद ही, जो आरोप का सिलसिला है वो लगातार जारी रहा है और अब भी देखने को मिल रही है एक बार फिर से अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी है। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।